नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमिडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक बार फिर से हिमिडिया एजुकेशन आपके लिए जॉब अपडेट लेके आया है। इस वक्त जो हमारे जॉब अपडेट रहेंगे वो अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी की तरफ से जो वैकेंसीज निकाली गई है उसकी जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है आज रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर वो जारी कर दी गई है। तो उसी से रिलेटेड जो है हमारे ये अपडेट रहने वाले हैं कि कैसे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, क्या इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और सिलेक्शन आपकी कैसे होगी। तो सबसे पहले तो जो इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो 20 सितंबर से फिल होने शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट जो होगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की वो 2 अक्टूबर होगी और आपके एडमिट कार्ड जो है 6 तारीख को इशू कर दिए जाएंगे और एग्ज़ाम जो है आपका 9 अक्टूबर को शेड्यूल किया गया है। तो 2 अक्टूबर तक आप ये अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहली जो पोस्ट है वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट है, 723 वैकेंसी है। इसमें सैलरी जो दी जाएगी आपको 25,000 पर मंथ दी जाएगी। क्वालिफिकेशन इसके लिए जो है आपकी बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग हो आपके पास, और साथ में आपका नर्सिंग स्टेट नर्सिंग काउंसिल में नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो डिटेल वाइज आपकी रोस्टर वाइज वैकेंसीज़ है वो आप कैटेगरी वाइज उसको स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसके साथ साथ दोस्तों आपका या तो बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए या 10th+2 आपकी हिमाचल से होनी चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है वो स्टाफ नर्स की है जिसमें 159 वैकेंसी है। डिटेल्स आप स्क्रीन में देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज इसके लिए आपकी प्लस टू होनी चाहिए, प्रेफरेबली विद साइंस, की साइंस में हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, और साथ में आपके पास GNM या फिर BSc नर्सिंग दोनों में से कोई एक कोर्स होना चाहिए, और साथ में आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए HP स्टेट नर्सिंग काउंसिल में तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कंडीशन सेम रहेगी कि या तो अगर आपके पास हिमाचल बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप हिमाचल से नहीं है, आपने 10th और प्लस टू हिमाचल से की है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों के लिए एलिजिबल है CHO और स्टाफ नर्स, तो आपको अलग अलग इसके लिए अप्लाई करना होगा। अगली जो वैकेंसी है वो फीमेल हेल्थ वर्कर की है जिसमें टोटल 65 पोस्टें हैं। 18,300 रुपया जो है आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। रोस्टर वाइज आप इस पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 65 वैकेंसीज कितनी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो आपके पास मैट्रिक पास होनी चाहिए, साथ में आप हायर सेकेंडरी पास होने चाहिए Part 1 में, दोनों में से कोई भी एक आपके पास कंडीशन होनी चाहिए, और साथ में आपके पास जो है MPW का हाफ ईयर्स का जो है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना अनिवार्य रहेगा तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे, और नर्सिंग काउंसिल में आपकी रजिस्ट्रेशन इस पोस्ट के लिए भी होनी अनिवार्य रहेगी। चौथी जो वैकेंसी है इसमें लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्टों की बात करें तो 36 रहेगी। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो 18,300 रुपया। रोस्टर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त, और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो प्लस टू साइंस और साथ में BSc मेडिकल होनी चाहिए आपकी लेबोरेटरी टेक्नीशियन में तभी आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए भी आपकी शिमला में IGMC के तहत जो आपकी पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होती है वो भी होनी अनिवार्य रहेगी। तो अब अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, तो अप्लाई आप इनके द्वारा बताए गए इस लिंक में जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। इन पोस्टों के लिए ये डॉक्यूमेंट जो है आपको रेडी करने पड़ेंगे। इन पोस्टों को अप्लाई करने से पहले जनरल की जो फ़ीस रखी गई है जनरल और OBC की 500 रुपये इसमें फ़ीस है। EWS SC ST के लिए इसमें 200 रुपये फ़ीस रखी गई है। पेमेंट जो है आप ऑनलाइन इसकी कर सकते हैं। किसी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप इनको मेल या इनके बताए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वर्किंग डे में 10 से 5 बजे के बीच में। और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जो एज लिमिट रहेगी इसमें उसमें आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी SC ST OBC को। 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति वैसे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी रिक्रूटमेंट होगी। टोटल 100 MCQ आपको पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। 90 मिनट का आपका ये टेस्ट होगा। 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपके लिए रखी गई है, और इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो शिमला मंडी हमीरपुर धर्मशाला और कांगड़ा में रखा गया है। तो डिपेंड करेगा ये आपके कैंडिडेट कितने अप्लाई करते हैं उस हिसाब से जो है सेंटर वो कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। आंसर की जो है 9 तारीख को अपलोड कर दी जाएगी। 10 तारीख तक आप इसकी ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, और 11 तारीख को जो है फाइनल आंसर की जो है वो इसकी अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट पर। जितने भी कैंडिडेट अपीयर होंगे वो मेरिट लिस्ट को डिस्प्ले होगी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर, उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन इनकी तरफ से बताई गई है कि क्या रहती है। तो NHM जो है शुरू में आपको कॉन्ट्रैक्ट पे ही रिक्रूटमेंट करता है। ये पहले आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए रखेगा, उसके बाद फर्दर आपके जो है कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू द्वारा ये एफिडेविट वगैरह बना के हर साल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है रिन्यू करते रहते हैं। ये आपकी फुल टाइम जॉब रहेगी, आपको कभी भी ऐसे बिना किसी वजह से यहाँ पर टर्मिनेट नहीं किया जाता है। पार्ट टाइम का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगी मेरिट बेसिस पे होगी,
और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इनकी तरफ से नहीं दिया जाएगा आपको। 12 कैजुअल डे लीव दी जाएगी, 5 स्पेशल लीव दी जाएगी और 10 मेडिकल लीव जो है इसमें दी जाएगी। तो दोस्तों NHM का आपको एक सीधा सा फंडा बता देते हैं कि NHM जो है एक नेशनल हेल्थ मिशन, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को मिला के ये स्कीम है जो इस वक्त हिमाचल गवर्नमेंट में चल रही है। इसमें जो है आपको ईयर टू ईयर इंक्रीमेंट लगते हैं, या 3% या 5% आपको हर साल इंक्रीमेंट लगेगा। और ये कभी भी हिमाचल प्रदेश में फिलहाल आज तक इनके लिए पॉलिसी रेगुलाइजेशन की नहीं आया, तो यानी कि इसमें आपको रेगुलर नहीं किया जाएगा। लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हर ईयर इसको रिन्यू किया जाएगा और हर साल आपको जो है 5% इंक्रीमेंट दिया जाता है। और 3 साल कंप्लीट होने पे जो है आपको स्पेशल 10% कुछ ऐसे इंक्रीमेंट दिया जाता है, यानी कि 3 साल के बाद जो है आपको एक स्पेशल इंक्रीमेंट लगता है। ऐसी जो NHM की पॉलिसी है इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन फिर भी अब NHM के जो एम्प्लॉयज़ है वो बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो भी पेट पैरा की तरह जो है कि जैसे पेट पैरा को पहले एक रेगुलर पे स्केल दिया गया था, वैसे ही पे स्केल की डिमांड जो NHM एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी की जा रही है। हो सकता है इस टेन्योर में या अगली गवर्नमेंट में इनको रेगुलर पे स्केल जो है वो दे दिया जाए। तो अगर आप इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जॉब की तलाश कर रहे हो और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास, ये जॉब के लिए आप ज़रूर जाएँ। ये मत देखें कि ये रेगुलर जॉब नहीं है, ये एक्सपीरियंस आपका बड़ी जगह काम आएगा। तो अगर आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, तो इस पोस्टों के लिए अप्लाई ज़रूर करें। तो दोस्तों ऐसे ही और जॉब अपडेट्स की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को ऑन जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।